उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आज दोपहर लगभग 2 बजे जिला कोर्ट में एक प्रेमी और प्रेमिका को भीड़ ने पकड़ लिया और प्रेमी को महिला ने चप्पलों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद प्रेमी को नंगा कर दौड़ाया भी। प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर कोर्ट में शादी करने आया था। फिरोजाबाद से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। ये नज़ारा है फिरोजाबाद जिला न्यायालय का। जिस आदमी को पीटा जा रहा है, ये अपनी प्रेमिका रिंकी, जो पहले से ही 3 बच्चों की माँ है, उससे कोर्ट मैरिज करने आया था। इस बात की खबर जब कोर्ट में अपने काम से आई हुई महिला डॉली को लगी कि रिंकी अपने प्रेमी के साथ शादी करने आई है, डॉली ने मामले को तूल गई और पहले तो प्रेमिका रिंकी को खरी खोटी सुनाई, उसके बाद प्रेमी सुमित को चप्पलों लात घूंसों से जमकर ढूंढ डाला। जब इतने से भी डॉली के मन में शांति नहीं मिली तो उसने प्रेमी के कपड़े उतरवा कर फेंक दिए। बताते चले कि प्रेमी महिला का जबरन उठाकर नहीं लाया, बल्कि 3 बच्चों की माँ खुद अपने होशो हवास में उसके साथ आई थी। कुछ ही देर में मौके पर पत्नी से प्रेमिका बनी रिंकी का पति भी पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुमित को हिरासत में ले लिया और बाकी लोगों को भी थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के करौली बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईडी लेना बंद किया। अब सिर्फ आईडी देखकर ही कर रही पेमेंट। दरअसल काफी दिनों से लोग आईडी की फोटो कॉपी के लिए भटक रहे थे, क्योंकि उनके पास छुट्टा पैसा नहीं थे। इस मामले को 2 दिन पहले एवीएन ने प्रमुखता से उठाया। एवीएन में खबर चलने के बाद से ही बैंक ने आईडी की फोटो कॉपी लेना बंद करके सिर्फ आईडी देखकर ही पेमेंट करना शुरू कर दिया।